Hello, my name is Anil Gagan and I am the vocational trainer of ITRC Technologies under the project VHSC hosted at Government Girl High Secondary School Dharhal Malka of subject Media and Entertainment. Today I am going to give out my presentation for level 4 on the topic facial expression and lip synchronization. Let's start the topic. The first slide is basically that what is facial expression? आखिर facial expressions क्या होते हैं, किस लिए इनकी ज़रूरत पड़ती है एक animation में, क्योंकि हमारा animation का part है, और इससे क्या क्या फ़ायदे हैं कि facial expression जो होता है वो एक communication के लिए काम आती है. और अगर आप खुश हैं तो आपका फेशियल एक्सप्रेशन अलग होगा, अगर आप दुखी हैं आपका फेशियल एक्सप्रेशन अलग होगा. अब यहाँ बात करते हैं हम एनिमेशन की. फॉर एग्जांपल आप देखते हैं आजकल कार्टून हमारे जो हैं वो बहुत ही अट्रैक्ट करते हैं बच्चों को, इवन आजकल बड़े लोग भी बहुत से कार्टून वगैरह देखते हैं. सो बच्चे क्यों देखते हैं उसको, क्योंकि वो एनिमेटेड हैं और उसमें जो लिप सिंक्रोनाइजेशन का यूज़ किया गया है. अब लिप सिंक्रोनाइजेशन एक ऐसी टेक्निक है एनिमेशन में, एक माया सॉफ्टवेयर में, जिसके ज़रिए हम अपने करैक्टर को जो कार्टून है उसकी लिप सिंक पोजीशन को चेंज कर सकते हैं. जैसे कि आपको सबको पता है कि जो हमारा कार्टून होता है वो एक नॉन लिविंग थिंग है, बट उसको हम लिविंग थिंग में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर्स. वो कैसे चलता है, कैसे बोलता है, सो जो बोलने की उसकी एक्टिविटी है, जैसे ही साउंड आती है साउंड में उसका बोलने का जो लिपसिंग है ऊपर नीचे जैसा उसका डायलॉग है, तो उसको करने के लिए लिप सिंक्रोनाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है. उस चीज़ को करने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि फेशियल एक्सप्रेशन कौन कौन से होते हैं, किस टाइम पे कौन से फेशियल एक्सप्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी उस कार्टून पे लगाने के लिए. नाउ द फेस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कम्युनिकेटिंग नॉट ओनली थाट्स और आइडियाज़ बट ऑल्सो इमोशंस. जो फेस होता है एनिमेशन में, या फिर हर एक इंसान का अपना एक फेस है जो सिर्फ हम कम्युनिकेट कर, सिर्फ आइडियाज़ कम्युनिकेट करने के लिए नहीं होता है बट इमोशंस भी दिखाता है फेस. वो कैसे कि अगर आप खुश हैं तो आपका फेस अलग होगा और अगर आप दुखी हैं तो आपका फेस अलग से दिखेगा. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. द इमोशन एक्सप्रेस बाई फेशियल एक्सप्रेशन. और इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब आपने देखा होगा जब कार्टून्स जो होते हैं वो अपना फेशियल एक्सप्रेशन जब चेंज करते हैं तो उसके साथ साथ उसके माउथ की पोजिशन भी चेंज होती है, आइज़ की पोजिशन भी चेंज होती है, जिससे पता लगता है कि आखिर वो कार्टून जो है वो किस पोजिशन में है. अगर खुश है तो उसका जो भाव है, उसका जो फेस है, वो उसका माउथ जो है वो अप की तरफ होगा, और अगर दुखी है तो माउथ डाउन की तरफ होगा. नाउ द आईज आर द कॉमनली रेफर एज द विंडो टू द साउल एंड दे आर कैपेबल ऑफ रिवीलिंग ए ग्रेट डील अबाउट व्हाट ए पर्सन इज फीलिंग और थिंकिंग. हमारी आंखों से ही पता लगता है कि आखिर वो क्या सोच रही हैं और क्या फील कर रही हैं. अब जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक पिक्चर है जिसमें मैंने डिफरेंट डिफरेंट फेसेस लगाए हुए हैं, और हर फेस पे देखिए आप अलग अलग एक्सप्रेशन है, जैसे जॉय है, सरप्राइज है, सैडनेस है, एंगर है, फियर है, डिस्गस्ट है. तो हर एक फेस का एक अपना एक्सप्रेशन है जो बता रहा है उसके इमोशंस को. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. आई गेज. आई गेज बेसिकली होता है कि जब एक इंसान दूसरे इंसान के साथ बात कर रहा होता है, जब आई कॉन्टैक्ट होता है उसको आई गेज बोलते हैं. वेन ए पर्सन लुक डायरेक्टली इंटू योर आइज वेन हैविंग ए कन्वर्सेशन इट इंडिकेट्स दैट दे आर इंटरेस्टेड एंड पेइंग अटेंशन. जब दो इंसान आपस में बात कर रहे हैं और एक दूसरे को आँख से आँख मिला के देख रहे हैं, तो इससे ऐसा लगता है कि दोनों जो इंसान हैं वो काफ़ी इंटरेस्टेड हैं बात करने में और एक दूसरे को अटेंशन दे रहे हैं. हाउएवर आई कॉन्टैक्ट कैन फील थ्रेटिंग. वन ऑन द अदर हैंड ब्रेकिंग आई कॉन्टैक्ट एंड फ्रिक्वेंटली लुकिंग अवे मे इंडिकेट दैट द पर्सन इज डिस्ट्रैक्टेड. कभी कभी आप अगर बिना आई कॉन्टैक्ट के सुन रहे हैं
किसी की बात को, तो अगला जो इंसान है, जो सेंडर है, वो ये सोचेगा कि वो तो डिस्ट्रैक्ट होगा और आप भी डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, या फिर वो सोचेगा कि शायद जो मेरा रिसीवर है वो मेरे से अनकंफर्टेबल है, और वो अपनी अपनी रियल फीलिंग्स को नहीं जाहिर कर सकता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज़ ब्लिंकिंग एंड द माउथ। ब्लिंकिंग बेसिकली हमारा जुड़ा है आई के साथ, और माउथ आ गया हमारा कि आखिर जब हम बात करते हैं तो हमारे माउथ एक्सप्रेशन कैसे होते हैं। ब्लिंकिंग इज़ ए नेचुरल, बट यू शुड ऑल्सो पे अटेंशन टू वेदर ए पर्सन ब्लिंकिंग टू मच और टू लिटल। ब्लिंकिंग एक नेचुरल प्रोसेस है, पर हमें ये अटेंशन इस चीज़ पे देनी चाहिए, जो लोग ब्लिंकिंग ज़्यादा करते हैं आईज़ की वो क्या बताते हैं, और जो कम करते हैं वो क्या बताते हैं। पीपल ऑफन ब्लिंक मोर रैपिडली व्हेन दे आर फीलिंग डिस्ट्रेस्ड। जो इंसान अपनी आईज़ को ज़्यादा ब्लिंक करते हैं, रैपिडली ब्लिंक करते हैं, वो माना गया है कि वो अपने आप को अनकम्फर्टेबल फील करते हैं और डिस्ट्रेस्ड होते हैं। द नेक्स्ट इज़ माउथ एक्सप्रेशंस। माउथ एक्सप्रेशंस एंड मूवमेंट्स कैन ऑल्सो बी एसेंशियल इन रीडिंग बॉडी लैंग्वेज। ये दिखाते हैं, माउथ एक्सप्रेशन जो होता है ये हमारी बॉडी लैंग्वेज को शो करता है किसी के सामने। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, च्विंग ऑफ बॉटम लिप मे इंडिकेट दैट द इंडिविजुअल इज एक्सपीरियंस्ड वरी, फियर एंड इनसिक्योरिटी। कभी कभी हम अपने लिप्स को च्विंग करते हैं, काटते हैं खुद से, तो वो ये शो करता है कि हम डरे हुए हैं, या किसी चीज़ की हमें चिंता है और हम इनसिक्योर फील हो रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट इज लिप सिग्नल्स। लिप सिग्नल्स में हमारे पास दो तरह के सिग्नल्स हैं, फर्स्ट इज पर्सर्ड लिप्स, सेकंड इज लिप बाइटिंग। पर्सर्ड लिप्स एक तरह की ऐसी टेक्निक है जिससे आप क्या करते हैं, अपने लिप्स को बंद करते हैं टाइटली और इनहेल करते हैं थ्रू योर नोज़, और जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो मुंह के ज़रिए, लिप्स के ज़रिए छोड़ते हैं। तो ये हो गया पर्सर्ड लिप्स। इससे जब आप किसी परेशानी में हैं तो ऐसा ऑब्वियस सी बात है, आप ऐसा करते होंगे कि कभी कभी लिप बाइट करते होंगे, या फिर कभी कभी ज़ोर से सांस लेते होंगे, तो ये इसको बोलते हैं पर्सर्ड लिप्स। या फिर आप अगर स्ट्रेस में हैं तो उससे ये स्ट्रेस भी ख़त्म होता है। सेकंड इज़ लिप बाइटिंग अगेन, कि ये कैसी कंडीशन है, ये कैसी हैबिट है, अगर ऐसा कर रहा जाए तो ऐसा लगता है कि जो इंसान है वो स्ट्रेस में है, जिसकी वजह से या तो वो फियर में है, या तो उसको कोई डर है, या तो वो इनसिक्योर फील कर रहा है। Now let's move to the next slide, that is mouth signals. Again, mouth signals में हमारा cover हो रहा है turn up or down and covering the mouth. कभी कभी हम क्या होता है कि हम हंस रहे होते हैं, जैसे इस picture में बताया गया, एक छोटा सा बच्चा है वो हंस रहा है पर उसने अपना mouth cover किया है। इससे क्या है कि जब आप अपनी चीज़ को छुपा रहे हैं, वट एवर द एक्टिविटी यू परफॉर्म फ्रॉम योर माउथ एंड यू आर हाइडिंग फ्रॉम समवन, दिस इज कॉल्ड कवरिंग द माउथ। द नेक्स्ट इज टर्न अप और डाउन। स्लाइटली चेंज इन द माउथ कैन बी सबटल इंडिकेटर ऑफ वट ए पर्सन इज फीलिंग। कभी कभी ऐसा माना गया है जब हम अपना माउथ जो है वो ऊपर या नीचे करते हैं, उसे हम अपनी फीलिंग्स को बताते हैं कि अगर हम हैप्पी हैं तो उससे हमारे माउथ जो है वो स्लाइटली टर्न अप होते हैं, और अगर हम सैड हैं, डिसअप्रूव्ड हैं, तो तब हमारा जो माउथ के एक्सप्रेशंस हैं वो डाउन की तरफ होता है। जैसे कहते हैं कि मुंह लटकाना, तो ये हो गया हमारा टर्न डाउन। सो दिस इज़ ऑल, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।